जैकसान, मैं रवि आजाद। साथियों, टिकरी बॉर्डर के मोर्चे पर लगातार डटे हुए हैं और जो किसान आंदोलन है वो अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आज आपके माध्यम से हरियाणा की समस्त खापों से एक आह्वान और एक निवेदन है, एक एक हरियाणा वासी से निवेदन है कि हमारे प्रदेश में 90 विधायक हैं, जिसमें से सबसे पहले मैम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हुए और उसके बाद देर आए दुरुस्त आए निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान जी किसान आंदोलन में खड़े हुए और जो दो विधायक किसान आंदोलन में आए हैं, ये निश्चित तौर पर मान करके चले कि इन्होंने किसानों के सम्मान की रक्षा के लिए जो कदम बढ़ाया है तो ये इनकी जो भविष्य की राजनीति है वो जीवित रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी है कि हरियाणा में 88 विधायक बच गए, सारी पार्टियों के विधायक हैं, सत्ता में बैठी भाजपा, उनकी सहयोगी जेजेपी और कुछ निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के भी 31 से 31 एमएलए जो संगठनों के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ जो कल से खापों का समर्थन मिलना शुरू हुआ और हरियाणा की 200 से ज़्यादा खापों ने किसान आंदोलन के समर्थन में यहाँ जगह जगह, चाहे टिकरी बॉर्डर हो चाहे संधू बॉर्डर हो, हर मोर्चे पर बड़े जत्थे के साथ खापे पहुँच रही, लेकिन भागीदारी के साथ खापों के माध्यम से और एक एक हरियाणा वासी के माध्यम से हम इस मुहिम को चलाएं कि जो 88 विधायक हैं, जो अपने अपने विधानसभा के विधायक हैं, आपके जो लोकल एमएलए हैं, आप जो है ये बात एक मुहिम के रूप में, विरोध के रूप में, एक संगठन के रूप में इस चीज़ के लिए दबाव बनाएं कि भाजपा के लोग, भाजपा के एमएलए हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे जेजेपी के हों, और शेष बचे निर्दलीय विधायकों या तो वो किसान आंदोलन के समर्थन में भाजपा का साथ छोड़ दें या जो है भाजपा वालों को चाहे बेशक अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़े। और कांग्रेस के 31 एमएलए कहाँ है, हरियाणा में विपक्ष में है, कहाँ है कांग्रेस के हमारे जनप्रतिनिधि जो 31 की संख्या है। तो आज हमने जरूरत है कि अपने खापों को, एक एक भाई को जो आपके एमएलए हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की जरूरत है ताकि वो किसान आंदोलन के समर्थन में सरकार छोड़े और किसान आंदोलन के समर्थन में विधानसभा से भाजपा के एमएलए इस्तीफा दें। और ये बात इसलिए भी है इन विधायकों के लिए कि अगर अपनी राजनीति बचाना चाहते हो तो किसान आंदोलन में कूद जाओ, और नहीं तो आपकी राजनीतिक हत्या निश्चित है। और जो किसान आंदोलन के लिए त्याग करेगा, विधानसभा की सदस्यता छोड़ेगा, सरकार छोड़ेगा, वो इस बात के लिए निश्चिंत रहे कि ये किसान बिरादरी, ये कुणबा उनकी राजनीति खत्म नहीं होने देगा, उनकी जीत चुनाव में 100% निश्चित है। बात अब भी यही है, जो सरकार के साथ रहेंगे वो विधायक, राजनीतिक हत्या होगी उन विधायकों की, और जो किसान आंदोलन के समर्थन में त्याग करेंगे उनकी जीत निश्चित रूप से। वो लिख करके ले लें इस बात को कि वो जो है ये जनता की, इस कुणबे की जिम्मेदारी है कि वो उनको चुनाव जिता करके और दोबारा विधानसभा के अंदर भेजेगी। और जब भाई थोड़े लोभ लालच में जय एक बार राज करना, एक बार एमएलए बनना और उसके बाद जो है अपने खानदान का और अपनी राजनीति की हत्या करनी हो तो मोदी जी की गोदी में बैठे रहो, खट्टर जी की गोदी में बैठे रहो। और स्वाभिमान है, किसान के बेटे हो, किसान की बेटियां हो, उनका वोट लेकर के विधानसभा में गए थे, आज किसान सड़कों के ऊपर बैठ के रो रहा, आज किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा, ये देश इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा। इस मुहिम के लिए सभी खापे, सभी युवा साथी, एक एक हमारे किसान भाई अपने अपने एमएलए के ऊपर दबाव बनाए ताकि वो सरकार से निकल करके किसान आंदोलन के समर्थन में आए। और जो सरकार हठधर्मिता के ऊपर है, जो सरकार घमंड में, एटीट्यूड में है, उसका घमंड तोड़ा जा सके और इस हिंदुस्तान को समृद्धि के रास्ते पर ले जाया जा सके। साथियों,
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, एक एक एमएलए तक, एक एक भाई तक ये बात हमारी टिकरी बॉर्डर से पूछनी चाहिए। सबका धन्यवाद। जो बोले सो निहाल, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।